Hello, good afternoon students. In the previous lecture, we started a new chapter, that is chapter number 11, Understanding Elementary Shapes. Right? उसमें हमने introduction किया था और फिर polygons start किया था. Polygons में triangle होता है, quadrilateral होता है, फिर hexagon, pentagon, octagon, वो सब होता है, right? Now we'll start with adjacent side of a polygon. एडजेसेंट साइड ऑफ अ पॉलीगन मतलब क्या, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, पहले वो देखते हैं. इफ द टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, कोई भी दो साइड पॉलीगन की हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, उसमें कॉमन एंड पॉइंट, देखो यहाँ पे ए जी ए बी, ठीक है, ए जी और ए बी, उसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या होता है, ए, राइट. तो देन दी साइड्स आर कॉल्ड दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. अगर कोई कॉमन एंड पॉइंट आपको मिले तो दैट वुड बी कॉल्ड कॉमन और द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन. ओके, अगर आप नेक्स्ट पेज टर्न करोगे तो वहाँ पे लिखा है फिगर 11.2, जैसे हमने जो पहला जो फिगर देखा था वो ए बी बी सी, बी सी सी डी डी ई ई एफ ई एफ एफ जी एफ जी जी ए एन जी ए बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है. नेक्स्ट इज द वर्टाइसिस ऑफ अ पॉलीगन. अब वर्टाइसिस क्या होता है, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ इट. द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन. दैट इज, अगर ये फिगर आप फिगर ये देखोगे तो यहाँ पे देखो ए जी ए बी या फिर आप बी सी सी डी कोई भी ले लो, उसमें सब में वर्टाइसिस तो आएगी आएगी. वर्टाइसिस मतलब जो पॉइंट होता है, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, ए जी और ए बी, उसमें कॉमन एंड पॉइंट क्या है, ए. फिर अगर ए जी और जी एफ लो तो कॉमन एंड पॉइंट क्या हो गया, जी. फिर जी एफ और एफ ई लो तो कॉमन एंड पॉइंट एफ, ठीक है. तो सारे कॉमन एंड पॉइंट्स तो बनेंगे ही बनेंगे, यस. तो वो सब एंड पॉइंट्स को हम लोग बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है, दैट विल कॉल इट एज वर्टेक्स. ओके, नाउ इन फिगर 11.2 ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर द वर्टेसेस ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी, राइट. नाउ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, a line segment joining the non-adjacent vertices of a polygon are called its diagonals. मतलब ऐसे points जो एक दूसरे का जिसमें कोई common end point नहीं होता. अगर आप लोग यहाँ पे sorry students, अगर आप लोग यहाँ पे ये figure देखोगे 11.2, तो उसमें ए ई ए एफ ए जी सबके साथ देखो ज्वाइन किया है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है. आप किसी के भी साथ अगर दो पॉइंट्स को जोड़ो, दैट वुड बी कॉल्ड द डायगोनल, दैट वुड बी कॉल्ड द डायगोनल. ओके, नाउ इट्स गिवन ओवर हियर दैट इन फिगर 11.2 ए सी ए डी ए ई ए एफ बी डी बी ई बी एफ बी जी सी एफ सी ई सी जी डी एफ डी जी ई जी आर द डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगॉन ए बी सी डी ई एफ जी. ये पॉलीगॉन का नाम क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स, साइड्स और एंगल्स को अगर आप देखो तो पॉलीगॉन्स कैन बी कैटेगराइज एज रेगुलर एंड इरेग्युलर पॉलीगॉन्स. Now, it's given over here that regular polygon. A polygon is said to be regular. Polygon regular कब होता है? If all the sides and all its angles are equal. मतलब उसकी जितनी भी sides है और जितने भी angles है वो सब equal होंगे. अगर आप triangle देखो, regular triangle, तो वो equal होगा. अगर regular quadrilateral, देखो यहाँ पे चारों के चारों दिए, pentagon भी दिया है, hexagon भी दिया है, ठीक है. तो अगर वो आप देखोगे तो वो सबके सब इक्वल है, उसके साइड्स भी इक्वल है और उसके एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है. तो जब भी वो इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, बट व्हेन इफ इट इज
the sides and angles are not equal, then it is called irregular polygon. A polygon is said to be irregular if sides are not equal and angles are not equal. देखो यहाँ पे सब irregular ही दिखाई देगा. ये irregular triangle है, quadrilateral है. Quadrilateral is four sides, right? Then heptagon है. जो भी है, अगर equal length, equal size में ना, equal उसकी sides equal ना हो, angles equal ना हो, तो वो irregular polygons उसे बोलते हैं, ठीक है? Then तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि रेगुलर पॉलीगॉन और इरेगुलर पॉलीगॉन. नाउ मैंने अभी तक जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको आपकी नोटबुक में, मतलब आपको डेफिनेशंस लिखनी है और फिर आपको ड्रॉ भी करना है कि मैंने क्या आपको क्या एक्सप्लेन किया है, ठीक है? पहले तो डेफिनेशन किसकी लिखोगे? एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन. ओके, इन सब की डेफिनेशंस लिखनी है और एक एक फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है? इतना अभी तक रखते हैं. ये जो नीचे का टेबल है दैट विल डू इट इन दी अनदर लेक्चर. छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे ताकि हमें एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? सो वी आर कीपिंग अप टिल हियर. बाकी का जो भी करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय.